श्री गणेशाय नमः। एकदा नैमिषारण्ये प्रपच्छ मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। व्यास जी कहते हैं एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सभी सवनकादि 88,000 ऋषियों के साथ श्री सूत जी का समागम हुआ। वहां पर सभी सवनकादि ऋषियों ने पुराण शास्त्र के मर्मज्ञ, पुराणों के सार को जानने वाले तत्वदर्शी श्री सूत जी महाराज से पूछा, भगवान व्रतेन तपसा क्यों वांछितं फलम श्रोतमिच्छामः कथयस्यं महामुने। हे भगवान, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाए और अंत में भगवान नारायण के श्रीधाम को प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर श्री सूत जी महाराज ने सभी सवनकादि ऋषि मुनियों से कहा कि जो आप लोग पूछ रहे हैं यही प्रश्न एक बार महात्मा नारद जी ने भगवान नारायण के समक्ष रखा था। भगवान नारायण ने उनसे जो कुछ कहा वो मैं सब आप लोगों से कह रहा हूँ, सभी लोग सावधान होकर सुने। एकदा नारद योगी परानुग्रह कमदया पर्यटन विभिन्न लोकान मृत्युलोकं पुमांगदा। एक बार योगी नारद जी विभिन्न लोकों में परिभ्रमण की इच्छा से मृत्युलोक में आए और यहाँ पर अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए देखा तथा मन में सोचने लगे किस उपाय से इनके कष्टों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर भगवान विष्णु के लोक को चल दिए। तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितं। वहां पर भगवान नारायण को देखकर जिनके हाथों में क्रमशः शंख चक्र पद्म और वनमाला से भूषित थे, ऐसे देवाधिदेव नारायण को देखकर उनकी स्तुति करने लगी। हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण निर्विकार सकल कल्याणमय सृष्टि प्रपंच के कारणभूत भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंतर्गत भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसा कहकर श्री भगवान कहते हैं, श्री नारद जी कहने लगे कि मृत्युलोक में भगवान मनुष्य नाना प्रकार के कष्टों से दुखी है, इनके कष्टों के निवारण के लिए यदि कोई आपके पास उपाय हो तो कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान कहने लगे कि तुमने लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक ऐसा व्रत है जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक में अत्यंत ही दुर्लभ है, आपके स्नेह के कारण मैं इससे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। ऐसा कहकर भगवान से नारद मुनि कहने लगे, भगवान किम फलम किम विधानम, जो आप व्रत कहना चाह रहे हैं उसका फल क्या है, उसका विधान क्या है, इस व्रत को करने की कौन सी तिथियां हैं और व्रत को कौन से लोग कर सकते हैं। श्री नारद जी से भगवान कहने लगे कि यस्मिन कस्मिन दिने व्यक्ति श्रद्धा भक्ति संवितौ, जिस किसी दिन मनुष्य चाहे श्रद्धा भक्ति के साथ संवित होकर नैवेद्य के रूप में उत्तम भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में अर्पित करे, केले का फल गेहूं का चूर्ण, जिन प्रदेशों में गेहूं का चूर्ण न मिल सके उन क्षेत्रों में साठी चावल का चूर्ण, शकरकरा गाय का घी गुड़ केले का फल आदि समस्त सामग्री भगवान को निवेद करनी चाहिए। केले का मंडप बनाकर भगवान नारायण की श्री मूर्ति को वहां पर विराजमान करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य के द्वारा आदि नाना उपचारों से भगवान का पूजन करना चाहिए। दिन भर व्रत रहना चाहिए, सायं काल के बेला में भगवान का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुननी चाहिए, तत्पश्चात उसको भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। जो लोग कथा सुनने के लिए आए वो प्रसाद का वितरण करने के बाद प्रसाद लेकर भगवान का संकीर्तन करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। रात में नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। भगवान के सुंदर भजनों का के द्वारा भगवान नारायण की लीला कथा अवतारों का गान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार का कृत्य करता है उसके मन की अभिलाषा तत्काल ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में सबसे छोटा सा एवं उत्तम उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण भक्तायाम प्रथमो अध्याय संपन्न। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
सोमकादर्शियों, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम, ये जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है ये धन धान्य देने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है और निसंतान को संतान प्रदान करने वाला है। सर्वत्रम विजय व्रतम, और सभी जगह पर यह व्रत विजय को प्राप्त कराने वाला है और विशेषतया नारायण की प्रीति प्राप्त कराने वाला है। सूर्य जी कहने लगे, हे सौनकादर्शियों, यह व्रत जिस प्रकार पृथ्वी पर विस्तार में आया उसके विषय में विस्तार पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात है, काशीपुर नामक नगर में एक बहुत ही अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। एक दिन उस दुखी ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले भगवान नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और कहने लगे, हे तुजश्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं? तब उसने कहा, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का यदि कोई आपके पास उपाय हो तो आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान कहने लगे कि तुम सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करो, जिसको करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान नारायण ने व्रत के उपाय को भी यत्न पूर्वक कह दिया। इधर गरीब ब्राह्मण व्रत के उपाय को मन में सोचकर विचार करने लगा कि आज मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, लेकिन हमारे पास न धन है न संपदा है। भगवान नारायण का व्रत किस प्रकार होगा, किस प्रकार ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा की व्यवस्था होगी? ऐसा मन में सोचकर उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद न आई। तदनंतर प्रातः काल उठा और मन में सोचने लगा कि आज मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा इधर प्राप्तम धनम, और वहां पर जो धन प्राप्त करूंगा उससे मैं भोजन न करके सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा मन में शुभ संकल्प लिया और भिक्षाटन के लिए निकल गया। उस दिन सत्यनारायण भगवान की उस पर कृपा हुई, उसने में भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त किया। फिर प्रसन्नचित घर आकर पके हुए केले का फल, गेहूं का चूर्ण, शकरकंदा, गाय का घी, गुड़ आदि समस्त सामग्री लेकर अपने बंधु बांधवों को बुलाया और धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण कुछ ही समय बाद सर्व संपत्तिवान हो गया। फिर प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करने लगा। एक दिन की बात है, पूर्णिमा का दिन था। वही गरीब ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय दैवज्ञवश एक लकड़हारा वहीं पर आया और लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख दिया। ब्राह्मण को व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप भक्ति युक्त चित्त से ये सब क्या कर रहे हैं और आपके पास ये सब धन संपदा कहाँ से प्राप्त हुई है? तब उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारे, ये सब धन संपदा मुझे सत्यनारायण भगवान के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुई है। यदि तुम भी धनवान होना चाहते हो, अपने दरिद्र को दूर करना चाहते हो तो सत्यनारायण भगवान के व्रत को करो। ऐसा कहकर व्रत के विधान को और विधि को यत्न पूर्वक सुनाकर उस ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे को प्रसाद खिलाकर विदा किया। इधर लकड़हारे ने प्रसाद खाकर लकड़ी के गट्ठर को मस्तक पर रख लिया और मन में सोचने लगा कि सजगाम नगरे, आज मैं जिस नगर में जाऊंगा इत प्राप्तम धनम, और वहां पर जो धन प्राप्त करूंगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में सोचकर लकड़ी को मस्तक पर रखकर वो वहां गया जहां धनी संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। फिर प्रसन्नचित घर आकर पके हुए केले का फल, गेहूं का चूर्ण, शकरकंदा, गाय का घी, गुड़ आदि समस्त सामग्री लेकर अपने बंधु बांधवों को बुलाया और धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपन्न। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी कहने लगे, हे सोमकादर्शियों, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत धन धान्यम प्रवर्धनम, धन धान्य की तो वृद्धि ही करता है, साथ में सौभाग्य और संतति को भी प्रदान करता है। प्राचीन काल की बात है, उल्कामुख नाम का एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों के पास जाकर उपाय पूछा, तब ब्राह्मणों ने सत्यनारायण भगवान के व्रत के विधान को यत्न पूर्वक कहा। ब्राह्मणों के मुख से ऐसा सुनकर राजा रानी तुंगभद्रा नदी के तट पर
प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। इससे उसके संतान की प्राप्ति हुई। एक बार संतान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय जल मार्ग के द्वारा एक साधु वैश्य उधर से निकला। उसने देखा कि सुंदर नदी का तट है, कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। संपन्न भगवान श्री हरि के का व्रत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई संतान न थी। इस व्रत के प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, इसलिए प्रत्येक महीने यह सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत करता हूँ। ऐसा कहकर साधु वैश्य ने कहा, राजन यह व्रत मुझे विस्तार से बताओ, क्योंकि हमारे भी कोई संतान नहीं है, इससे लगता है संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा कहकर साधु वैश्य ने व्रत के उपाय को यत्न पूर्वक सुनकर अपने नगर में आया और अपनी पत्नी लीलावती से संतान को प्रदान करने वाले सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा और अपनी पत्नी से यह भी कहा कि जब भगवान मुझे संतान प्रदान करेंगे तब मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। ऐसा कहकर वह व्यापार में अपने लग गया। इधर एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त ऋतुकालीन धर्माचरण में व्रत हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। दसवें महीने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। इससे उसका नाम कलावती रखा गया। फिर एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा, स्वामी आप पूर्व में संकल्पित व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तब साधु वैश्य ने कहा, प्रिय यह व्रत मैं इसके विवाह के समय करूंगा। ऐसा कहकर अपनी पत्नी को आश्वस्त कर दिया और पुनः व्यापार करने लगा। इधर कलावती पिता के घर में सयानी होने लगी। एक दिन सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखकर साधु ने मन में विचार किया कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। तो दूतों को बुलाकर आज्ञा दी कि हमारी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो। साधु की आज्ञा पाकर दूत नाना प्रकार के नगरों में गए। भ्रमण करते करते कांचनपुर नामक नगर में पहुंचे। वहां पर एक वणिक पुत्र को देखकर जो गुण गुणों से संपन्न था, स्वस्थ था, सुंदर था और धनवान था, शिक्षित था, ऐसे वर को देखकर साधु वैश्य के पास गए और कहने लगे, राजन कहने लगे, हे साधु वैश्य हम वर को खोज लाए हैं। ऐसा देखकर साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का हाथ ब्रह्म विवाह के माध्यम से उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश मात्र पूजन कुल देवता के पूजन के समय सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया और काल की प्रेरणा से अपने श्री संपन्न दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर नामक नगर में गया, जहां समुद्र के निकट उस रमणीय नगर में अपने श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। इधर सत्यनारायण भगवान उसे भ्रष्ट और प्रतिज्ञ देखकर दारुण महान दुख प्राप्त हो ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं पर आया जहां दोनों वणिक पुत्र बैठे थे। अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से चोरों ने चोरी किया गया द्रव्य साधु की नौका में छिपा दिया और खुद अंतर ध्यान हो गए। राजा के दूतों ने देखा कि चोरी किया गया द्रव्य साधु की नौका में पड़ा है, तो दोनों वैश्यों को चोर समझकर राजा चंद्रकेतु के दरबार में ले गए और कहने लगे, राजन हम दो चोर पकड़ लाए हैं, धन भी प्राप्त हुआ है, आपकी क्या आज्ञा है? राजा की आज्ञा अनुसार दोनों को कारागार में डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के वश उन दोनों की सत्य बात किसी ने न सुन सकी। इस प्रकार लीलावती और कलावती कन्या भी आदि और व्याध से ग्रसित हुई। उनके घर में जो धन था वो चोरों ने चुरा लिया और जो कुछ शेष बचा वो आधे व्याधि औषधियों पर खर्च हुआ। इस प्रकार कलावती कन्या अन्न और धन की चिंता में इधर उधर भटकने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित कलावती कन्या अन्न की चिंता में उधर उधर भटक रही थी, तब उसने एक ब्राह्मण के घर में सायंकाल की वेला में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। वहां पर बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर कुछ रात पूर्ण होने पर अपने घर को आई। तब उसकी माता ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात्रि में तुम कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कलावती कन्या ने अपनी माता से प्रेम पूर्वक कहा कि माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। पुत्री के ऐसे वचन सुनकर वह व्रत करने के लिए उद्यत हुई। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर दो, वे अपने घर को शीघ्र ही आ जाएं।
ऐसा कहकर वृत के पूजन को समाप्त किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए और भगवान ने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न के माध्यम से अवगत करा दिया कि राजन प्रातः काल दोनों वृक पुत्रों को छोड़ दो, तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे राज पुत्र आदि का सर्वनाश कर दूंगा। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु उठा और स्वप्न की बात लोगों को बताई। स्वप्न की बात बताने के पश्चात दोनों वृक पुत्रों को मुक्त कर दिया गया। बेड़ी और बंधन से मुक्त करने के पश्चात दोनों वृक पुत्र मुक्त कर दिए गए। मुक्त करने के पश्चात राजा चंद्रकेतु ने दोनों का अभिनंदन किया, उसे वस्त्र अलंकार से विभूषित कर दिया, जो उनका धन हरण किया था उसे दूना करके दे दिया। और राजा चंद्रकेतु हाथ जोड़कर कहने लगे, हे साधु वत्स्यों, ये जो कुछ हुआ है यह अनजाने में हुआ है, अब हमारे अपराध को क्षमा करें। यह सब प्रारब्धवश आपको दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर दोनों वैश्यों ने मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को धन दिया। भक्त सूक्ति का पाठ करने के पश्चात दोनों वैश्यगण अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रकथायां तृतीयो अध्याय संपन्न। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राजा चंद्रकेतु के दरबार से मुक्त होने के बाद दोनों वैश्यगण अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर चलने के पश्चात उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। सो भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु वैश्य के पास आए और कहने लगे, हे साधु वैश्य, तुम्हारी नौकाओं में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों वैश्यों ने अवहेलना पूर्वक कहा, स्वामी क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा करते हो? हमारी नौका में तो सब लते पतले भरे पड़े हैं। ऐसा कहकर दंडे स्वामी ने कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहने के पश्चात दंडे स्वामी समुद्र के समीप जाकर ध्यानमग्न हो गए। इधर साधु वैश्य नित्य किया करने के पश्चात जल के ऊपर उठी हुई नौकाओं को देखकर विस्मय में पड़ गया। नाव को जब पलट कर देखा तो उसमें लते पत्रे निकले। ऐसा देख करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसके दामाद ने कहा, पिताजी शोक क्यों करते हो? दंडी स्वामी ने श्राप दिया है, इस स्थिति में चाहे तो वही कुछ कर सकते हैं, वही हमारे मन की विलासा पूर्ण होगी। दामाद की भक्ति युक्त बातें सुनकर साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास गया और विनय पूर्वक कहने लगा, हे दंडी स्वामी, हमने जो कहा है वो असत्य कहा है। आप मन की बात को जानने वाले हैं। मेरी नौका में तो धन था, हे भगवान, इसलिए धन से परिपूर्ण करो। ऐसा कहकर साधु वैश्य दंडी महाराज की स्तुति करने लगा और कहने लगा, भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को नहीं जान सकते हैं, पर मैं मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता हूँ? भगवान, हमसे जो भूल हुई है हमारे अपराध को क्षमा करें और हमारे धन को पुनः स्थापित करें। ऐसा कहकर साधु वैश्य जमीन पर दंडवत प्रणाम करके लौटने लगा और बारंबार रोने लगा। दंडे स्वामी उसे रोता हुआ देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, रो मत, मेरी पूजा से बार बार उदासीन होने के कारण तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। अब दुख करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी नौका धन से परिपूर्ण होगी। ऐसा कहकर साधु वैश्य दंडे स्वामी को नौका परिपूर्ण देख करके अपने नौका में चढ़ा और अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर चलने के पश्चात अपने धन के रक्षक दूत को आगमन का समाचार देने के लिए नगर में भेजा। दूत ने नगर में जाकर उसकी पत्नी और पुत्री से कहा कि शेठ जी बहुत सारे धन संपदा के साथ नगर के निकट पधारे हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर लीलावती ने कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए निकल रही हूँ और अपनी पुत्री कलावती से कहा, तुम शीघ्र ही आ जाना। ऐसा कहकर कलावती कन्या पूजन को बीच में समाप्त कर दिया और प्रसाद के वितरण को रोककर अपने पति के दर्शन के लिए निकल पड़ी। प्रसाद की अवहेलना के कारण भगवान रुष्ट हुए और भगवान ने लीलावती के पति वाली नौका को समुद्र में डुबो दिया। साधु वैश्य ने और कलावती कन्या ने देखा कि सभी नौकाएं तो घाट पर लग गई हैं, लेकिन हमारे पति वाली नौका नहीं दिख रही है। ऐसा देखकर कलावती कन्या रोने लगी।
अपनी कन्या को रोता हुआ देखकर साधु वैश्य मन में विचार करने लगा कि न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा सत्यनारायण भगवान के महत्व को कौन जान सकता है, और प्रतिज्ञा करने लगा कि मैं अपने धन संपदा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर अपने मन की इच्छा प्रकट कर दी। इससे दिनों के परपालक भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए और भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से अवगत कराया कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी पुत्री प्रसाद का परित्याग करके यहाँ पर आई है। यदि वो घर जाकर पुनः प्रसाद को खाकर यहाँ पर आए तो तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आकाशमंडल से ऐसे वचन सुनकर कलावती कन्या घर गई। उसने प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद का वितरण कराया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। पति के प्राप्त हो जाने पर साधु वैश्य ने मंगल आचरण किया, ब्राह्मणों को धन दिया। पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनकर इस जन्म के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसलिए स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय संपन्न बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी कहने लगे, हे स्वामकादर्शियों, प्राचीन काल की बात है, अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध नाम का एक राजा था। एक बार वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि गाय चराने वाले कुछ गोपगण भगवान का पूजन कर रहे हैं। पूजन को समाप्त करने के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद लेकर राजा के पास आए। राजा ने मन में विचार किया, इन गोपों के प्रसाद को हमको नहीं खाना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर प्रसाद को वहीं पर बड़ वृक्ष के नीचे रख दिया और अपने नगर में जब आया तो उसने देखा उसके राज्य पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। उसके सभी 100 पुत्र घायल हुए, उसका राज्य नष्ट भ्रष्ट हुआ। राजा ने मन में विचार किया, मुझे वहीं पर चलना चाहिए जहाँ भगवान का पूजन हुआ है। अवश्य ही पूजा की अवहेलना के कारण सत्यनारायण भगवान विष्णु ने ही हमारा नाश किया है। ऐसा मन में विचार कर उसी बड़ वृक्ष के नीचे गया। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, अपने धन संपदा और श्रद्धा के अनुसार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, गोपों को बुलाकर क्षमा मांगी और समस्त गोपों में प्रसाद का वितरण कराया। इससे उसके राजपुत्र आदि की पुनः प्राप्ति हुई। सूर्य जी कहते हैं, जब भगवान की मंगलदायिनी कथा को सुनता है वह दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। इस जन्म के समस्त इप्सित फलों को प्राप्त कर प्राणी अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी उनके अगले जन्म का वृत्तांत सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा था वो भिन्न गुहों का राजा हुआ। उसने निषाद राज गुह का रूप धारण किया और भगवान राम की सहायता की और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। जो साधु वैश्य था वह मुरुद्ध नाम का राजा हुआ। उसने अपने पुत्र की देह चीरकर भगवान विष्णु को अर्पित करके भगवान के धाम को प्राप्त किया। जो तुंगध नाम के राजा थे वह स्वयं भूमर हुए। उन्होंने भगवत संबंधी समस्त कार्यों को पूर्ण करके भगवान के लोक को प्राप्त किया। और जो उल्कामुख नाम का राजा था वे राजा दशरथ हुए। उन्होंने श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करके भगवान के धाम को प्राप्त किया। जो गोपगण थे वे ब्रजमंडल में निवास करने वाले सभी गोपजन हुए। उन्होंने निहत्थे ही समस्त राष्ट्रों का संहार करके भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय संपन्न बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।